और इलेक्शन कमीशन ये काम कैसे कर सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो और अगर वो इंडिपेंडेंट कब होता है ऑब्वियसली जब उनके उनके जो मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं दैट उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में भी इश्यूज हो सकते हैं so, सो आज का वीडियो जो है रिगार्डिंग इट्स अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बेसिकली आया क्यों है बिकॉज सेंटर ने नया बिल इंट्रोड्यूस किया कर दिया अभी उसके वजह से तो अगला क्वेश्चन कि सेंटर ने क्यों किया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया होता मार्च 2023 में अरुण गोयल का केस क्या 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 है? है? है वो भी हम देखेंगे. में क्या कहा है? वो भी भी हम हम देखेंगे। देखेंगे। में 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 कहा इस लेक्चर और सीबीआई के बारे में क्या कहना आपका जो मेन्स के लिए काम का होगा और एक क्वेश्चन ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया आगे चल के डिस्कस करेंगे मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था क्या रूलिंग था सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो इनको अपॉइंट करना होगा तो एक कमेटी होगी और उस कमेटी में कौन कौन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लीज लिसन केयरफुली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहा गया था और ये कहने के पीछे उन्होंने कारण दिया था कि कोर्ट का कहना था कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के थ्रू चेक किया तो उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फाउंडिंग फादर्स पे वो भी ये नहीं चाहते होंगे कि एग्जीक्यूटिव को एक्सक्लूसिव से होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन दैट इट सेल्फ मीन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इंट्रोड्यूस किया था क्यों किया था बिकॉज जो वैक्यूम था वो वैक्यूम खत्म करने के लिए देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले अपॉइंटमेंट कैसे होते थे फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है चलो वो भी देखते हैं आर्टिकल 324 ट्वेंटी फोर विच रिगार्ड रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में क्लियरली कहा है कि इलेक्शन कमीशन होगा इसमें इतने नंबर के इलेक्शन कमीशन होंगे एज प्रेसिडेंट डिसाइड टाइम टू टाइम सो प्लीज लिसन केयरफुली ये क्वेश्चन प्लेस में आ सकता है कि कितने मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है क्लियरली आंसर इज नो

ये वैक्यूम फिलअप कर दिया जस्ट फॉर द प्योरिटी ऑफ इलेक्शन बिकॉज डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कोर्ट ने इंटरव्यून क्यों किया द रीजन इज टू फिलअप कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम एंड फॉर द प्योरिटी ऑफ इलेक्शन नथिंग एल्स नेक्स्ट तो फिर अगला कॉन्ट्रोवर्सी जो अरुण गोयल अपॉइंटमेंट हुआ था इलेक्शन कमिश्नर एज अ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण गोयल एज अ इलेक्शन कमिश्नर बट ये केस था नवंबर 2022 उनका कहना था कि नवंबर 18 को उन्होंने वॉल्ट्री रिटायरमेंट को अप्लाई किया और नवंबर 19 को उनकी अपॉइंटमेंट हो गई सो so उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली जो जजमेंट दिया है वो मार्च दो मतलब मार्च दो के बाद वो लागू होगा क्या ये केस मार्च दो के बाद का है या पहले का है ऑब्वियसली पहले का है तो इसके लिए वो लागू होगा क्या ऑब्वियसली आंसर इज नो देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आज क्यों चर्चा चल रही है सेंटर ने राज्यसभा में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है और इस नए बिल में क्या कहा है वो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर होंगे वो तो यहां पे भी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे वो यहां भी है तो फिर इश्यू किधर है सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा नाम दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे लेकिन यहां पे कौन है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मतलब डिफरेंस क्या है यहाँ पे यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे सीजीआई की जगह पे मतलब यहाँ पे सीजीआई नहीं होंगे तो इसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड किए कुछ लोगों ने फेवर में कुछ लोगों ने अपोज में जो अपोज में है क्रिटिक्स उनका कहना है कि ये जो कमेटी रहेगी इसमें टू वर्सेस वन तो स्टार्ट में ही शुरू हो गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो सबसे सर्वोच्च पद है और कैबिनेट मिनिस्टर जो अपॉइंट होंगे उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेगा तो ऑब्वियसली मेजोरिटी कौन होंगे गवर्नमेंट के साइड के सो एवरी पॉसिबिलिटी इसमें रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट जो होगा उसका सुपेरिटी रहेगा ऐसा उनका कहना है बट इसमें भी उन्होंने क्या कहा है सरकार ने बिल में कि सिलेक्शन कमेटी जिनको अपॉइंट करेंगी उनको सिलेक्शन करने के लिए भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी होगी जो पांच लोगों को सिलेक्ट करेगी ये पांच और, और उसमें से फिर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे मीन की अपॉइंटमेंट जो होगी उसमें सरकार से प्रो होने वाले होंगे आई डोंट थिंक सो क्यों अब सीबीआई की अपॉइंटमेंट भी जो होती है उसमें जो कमेटी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं लीडर ऑफ होते हैं और सीजीआई होते हैं या फिर सीजीआई नॉमिनेट करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं बट मेरा मानना एक है कि क्या सीबीआई के अपॉइंटमेंट के बाद अल्टीमेटली उनको काम तो गवर्नमेंट के साथ ही करना होता है आई होप क्लियर हुआ है और इससे पहले भी तो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो चुके हैं जो कि अच्छे से अच्छे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो चुके हैं ये तो हम सभी मानते हैं फॉर एग्जांपल टीएन शेषन टीएन शेषन के बारे में तो सभी कहते हैं कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर तो उनकी अपॉइंटमेंट किसने की थी सरकार ने ही की थी सो so, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सरकार ने अपॉइंट किया मतलब वो गलत होगा ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज अल्टीमेटली एन इंस्टीट्यूशन एंड सबसे बड़ी बात भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया लोगों को यह पता है किसे वोट करना है कब वोट करना है और क्यों वोट करना है आई होप इट इज क्लियर नाउ ये इश्यू तो आपको क्लियर हुआ रहेगा सी इज पार्टली बी एट्रीब्यूटेड टू द स्टेटस एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी आ चुका है ट्वेंटी मार्क्स के अगर आप देखेंगे तो काफी क्लियर क्वेश्चन है मतलब इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड होता है स्टेटस एंड रोल प्लीज वेन यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली उसे रीड करो स्टेटस मतलब इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है क्या रोल मतलब वो फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर रहा है स्टेटमेंट यस yes, तो आपको एक्सप्लेन करना है यह है, मेंस का है प्रिलिम्स का एक दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहला सेम मैनर एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज दूसरा इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर लोकसभा विधानसभा एंड लोकल बॉडीज नीचे दिए हुए ऑप्शन में से एक आपको टिक करना है आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट लाइक like और शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच